मिठाई भी आप ट्राई कर सकते हैं, मिठाई पड़ी हुई है यहाँ पे, और पंजाबी पूड़ी आती है, हम आपको दिखाते हैं। मैं ये वेट कर रहा हूँ, ये बाशिद भाई पूड़ी लेकर आ रहे हैं। टेस्ट का बता दें, हम वैसे नहीं ये हलवा इनका देसी घी का होता है, देसी घी का होता है। अच्छा, चलो वगैरह में मुनासिब जगह भी, अच्छी जगह भी अच्छी है, तो ज़रूर आया विजिट करें। जी बासित भाई ने सेकंड शिफ्ट मारी है पूरी का, हम आपको गाइड भी कर देते हैं, आप आने में और कंकाली ले लेनी है, हलवा एक तक आपको लेना है, आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, आप उनको बोलो बच्चे खा के ज़रा रिव्यू तो दे दो। इसको से कंपेयर नहीं कर सकते, इसको कुछ भी नहीं इसके सामने। मेन सराफा बाजार है ज्वेलरी मार्केट, और ये मुल्ला हलवाई, ये मुल्ला हलवाई है, सराफा बाजार ज्वेलरी मार्केट है पूरी। मिठाई भी आप ट्राई कर सकते हैं, मिठाई पड़ी हुई है यहाँ पे, और पंजाबी पूड़ी आती है, हम आपको दिखाते हैं। मैं ये वेट कर रहा हूँ, ये बाशिद भाई पूड़ी लेकर आ रहे हैं। ये बासित भाई पूड़ी लेकर आए, एक पूड़ी कितने की है? एक पूड़ी है 15 रुपये की है, मैंने तो बहुत पहले खाई थी। ये मुल्ला हलवाई फेमस है, ये सराफा बाजार में 8,500 लगता है। इनका टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हफ्ते का दिन है, और अगर त्यौहार होता तो यहाँ पर बैठने की जगह नहीं मिलती, वहाँ से यहाँ तक रश होता, और पूड़ी ऐसी आती है ऐसी ख़त्म हो जाती है, अभी पूड़ी आई है ताज़ी ताज़ी। और ये पूड़ी इनकी कहाँ बनती है? ये अलग से एक पोर्शन बनाना है पूड़ी बनाने के लिए, बहुत ही फेमस है मुल्ला हलवाई। आप देखेंगे ऑनर को तो आप बोलेंगे वाकई हलवाई हलवाई लगाना है, तो आप कोशिश करते हैं आगे इनका हलवा दिखाते हैं, कितनी जल्दी इनके हलवा ख़त्म हो जाए, जितनी जल्दी इनकी पूड़ियाँ पूड़ियाँ इनकी एक साथ आती है, कोई 60-70 आती है एक साथ, और वो जो कि 5 मिनट में लगते ख़त्म हो जाती है। अभी जितना आइए सारे पूड़ियाँ पूड़ियाँ खाइए, लोग पूड़ियाँ डाल दें, फिर 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद अभी आप अभी हम खाएँगे ब्रांड में, आपको टेस्ट खाने के बाद टेस्ट का बताएंगे, पूरा खाने के बाद एक बाइट लेके हम टेस्ट का बता दें, हम वैसे नहीं ये हलवा इनका देसी घी का होता है, देसी घी का होता है। अच्छा, चलो वगैरह में मुनासिब है, काफ़ी अच्छी जगह भी अच्छी है, तो ज़रूर आया विजिट करें। ये बासित भाई ने सेकंड शिफ्ट मारी है, 5 पूड़ियाँ बस। भाई आप पूरी सीन बता रहे थे इसका, ये पूड़ी का होता है, हम आपको गाइड भी कर देते हैं, आप आने में लेने और कंकाली ले लेनी है, हलवा एक तक आपको लेना है, आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, आप उनको बोलो भैया मैं इतना हलवा दे दूँ, अगर आप यहाँ बैठ के खाना चाहते हो। और उसके बाद सीन क्या होता है, आपको वेट करना पड़ता है पूड़ी का, ये पूड़ी कितनी देर बैठेगी, फिर पूड़ी साथ ही आपको रेस्टोरेंट से पूड़ी उठानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लोग उठा जाओगे तो आपको उठानी पड़ेगी, पहली बारी में चाहिए तो अगर आपने उठानी है, आपने जितनी पूड़ी भी उठाई आपने खुद प्रॉब्लम करना है कि आपने कितनी पूड़ी उठाई है, आपकी पूड़ी कोई नहीं उड़ा होगा, तो आपको कोई ईमानदारी से प्रॉब्लम करना है कि कितनी पूड़ी उठाई है आपने, और पहली बार में उतने ज़्यादा पूड़ी नहीं उठाएँ, कितनी उठाएँ कि वो दूसरी बार जाने से पहले तक चल जाए। तो इससे ये होता है पूड़ी जब ठंडी होती है तो वो थोड़ी हो जाती है, फिर हमारी ठंडी होती है, हम खा के आपको मिलते हैं, खा के ज़रा रिव्यू तो दे दो। चीज़ नहीं टूट रही लेकिन मज़ा वही वाला है। ये ब्रेस्को से इसको 10 आउट कितने दोगे आप रेटिंग? ब्रेस्को से कंपेयर नहीं कर सकते, ब्रेस्को कुछ भी नहीं इसके सामने, मैम कराची की बेस्ट पूड़ी है ये, मैंने जो आज तक खाई है, मैं कराची में हर जगह जगह नाचते रहते हैं। देखो हमारी तो वैसे ही नाइट जब होती है तो हमें घूमना ही पूरी रात में होता है, पूरी रात घूमना होता है हमें, फिर हम सुबह कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कुछ ना कुछ नाचते हैं। अच्छा, वो वाला रिएक्शन नहीं दे पाऊंगा जो पहली बैट में होता है, लेकिन ये बात है डाटो मज़ो आयो क्या जो चार पड़ा हुआ है पार्टी भी बड़ा होगा, आपको जितना खाना आप खा सकते हैं। अंकल बार बार देख रहे हैं, अंकल से रिव्यू ले, अंकल से रिव्यू लो, कैसी पूड़ी है? अच्छी है। कितने टाइम से आप खा रहे हो? बचपन से खा रहे हो? अच्छा, फरहान भाई का, फरहान भाई वीडियोज अवॉइड करते रिव्यू दें, शामिल भाई कैसा रिव्यू दें? बहुत ज़्यादा
तो बच्चे उठ के आए हैं भाई यहाँ पे पूरी देने। अभी हमने यहाँ पे हमारे सामने आई थी पूरी, दो बार आई है और चली गई। देखो लोग खुद उठा रहे हैं यहाँ पे पूरी, ऐसा सीन है। और अभी साफ हो रहा है, अभी ऊपर से फिर से पूरी आएगी पूरी ट्रे भर के, हम फिर से आपको दिखाएंगे। अभी कुछ अन्य बांध रहे पीछे भाई, जो आता है खुद पूरी उठाते हैं अपने। अभी अभी ताज़ी पूरी आई थी यहाँ पर और सारी ख़त्म हो गई हैं। और ये देखें आप कितना भर भर के दादी जा रही हैं, 10-10, 20-20 लोग लेके जाते हैं, उतने लोग खड़े हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।